हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड, अगर हमें बिना किसी मेहनत के ना कटिंग लगानी है मिट्टी में ना पानी में, और ढेरों पौधे फ्री में मिल जाए तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। तो आज मैं ऐसे ही पौधों के बारे में बात करूंगी जो सिर्फ हवा में, अभी मानसून में हवा में ही रूटिंग बनाते हैं और हम ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और ये देखिए, मनी प्लांट का पौधा है, ऊपर से नीचे तक आया हुआ है। मैंने इसे सेट नहीं किया है, तो देख सकते हो आप कितने अच्छे से इसमें रूट आ चुकी है। और ना मैंने इसे पानी में ग्रो किया है और ना मिट्टी में। तो ये जो बेल आई है, देखिए इतने बड़े बड़े रूटिंग मिल जाते हैं हमें फ्री में। पौधे कितने पौधे हम बना सकते हैं। तो आप, अभी बरसात का मौसम चालू हो चुका है, तो आप अच्छे से लगा सकते हो और जितने चाहे पौधे आप अभी बना सकते हो। हमें इंतज़ार करना भी नहीं पड़ेगा कि पानी में 15 दिन बाद ग्रो होगी या मिट्टी में। और ये देखिए, और भी वही ऊपर से ही आई हुई भी है ये मनी प्लांट की बेल, इसमें भी इतने अच्छे से हवा में रूट हो चुके हैं। तो हम, अगर इस तरह से हमें मिल जाए तो हम ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं इस तरह से। और पौधा दिखाती हूँ मैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो हमें ये बहुत अच्छे से इसमें रूट बढ़ चुके हैं, तो हमें इसे आसानी से ढेरों पौधे बना सकते हैं। उसके बाद ये देखिए टिकोमा वाइन, तो ये भी अभी बरसात में, बाकी दिनों में नहीं आती है, बरसात में ये देखिए, ये भी इसी की भी हवा में रूटिंग हो रही है। देख सकते हो इतने अच्छे से रूट निकल चुके हैं। तो अगर आपको ये कहीं मिल जाए तो आप इसके नोड एरिया से कट करके ला सकते हो और आसानी से आप फ्री में ढेरों पौधे बना सकते हो। इस बात की कोई टेंशन ही नहीं है कि हमारा कटिंग चली है नहीं चली है, पौधा ख़राब हो चुका है, ऐसा कहने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आसानी से रूटिंग खुद ही हो चुकी है। अभी मानसून चल रहा है और ये फास्ट ग्रो पौधे हैं और बिना किसी मेहनत के हमें रूटिंग भी बना देते हैं। उसके बाद ये देख सकते हो आप, ये है सिंगोनियम, तो मैं अभी लगाई हूँ इसको ऊपर से लाके। तो ये भी वो हवा में रूटिंग बनाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद ये देखिए, ये है चेन बास्केट का पौधा जो हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं, तो आप देख सकते हो इसमें भी, नहीं तो मैंने बहुत से वीडियो देखे हैं तो वो बताते हैं कि नोड एरिया से हमें लगाना है। तो मैंने भी सोचा था इसे नोड एरिया से कट करके लगाऊंगी, पर अभी देखी तो खुद ही रूट अच्छे से निकल चुके हैं। तो हम इसे अभी अपने पौधे, सॉरी, अब गमलों में लगा सकते हैं अलग पौधे बना के, और हमारे ढेरों पौधे फ्री में तैयार हो जाएंगे बिना किसी मेहनत के। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ से कट करके लगा भी देती हूँ तो मेरे और पौधे हो सकते हैं, तो है ना, बिना झंझट वाली बात। तो आप भी इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। उसके बाद ये देखिए टर्टल वाइन, और इसमें देखिए रूट बन चुकी है अच्छे से, ना मिट्टी में ग्रो करने की ज़रूरत है ना पानी में, इसे रूट बन चुकी है। हम डायरेक्ट गमले में इसे लगा सकते हैं और खूबसूरती बढ़ा सकते हैं अपने गार्डन की। तो इस तरह से मैं अभी इसे लगा के भी दिखाऊंगी। थोड़ी सी जो रूट निकली हुई है बस उतना ही हमें कट करना है और मिट्टी में दबा देना है। बहुत ही अच्छे से ये फास्ट ग्रो हो जाएगी और फिर आप जितने चाहो उतने हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से दबा देना है। मैंने बहुत सारे गमले में इसे हैंगिंग बास्केट को लगाया है और छोटी छोटी बॉटलों में भी, तो बहुत अच्छे से वो भी बढ़ चुकी है। तो इस तरह से हमें लगा देना है। तो ये सभी पौधे हैं फ्रेंड। और ये देखिए, ये सिंगोनियम, तो अभी मैं ये इधर बहुत पास पास में सभी गमले रखे हुए हैं, तो मैंने वहाँ से इसे तोड़ लिया था जो नीचे लगाया हुआ है, जो बहुत बड़ी बड़ी रूटें हो चुकी थी उसमें। तो इस तरह से हम, ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जो हवा में रूटिंग तैयार करते हैं, तो उनको आम आसानी